तो हम लोग ऑलरेडी वीपीसी और ईसी टू इंस्टेंस बनाना देख चुके हैं, कैसे हम लोग एक वीपीसी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक वेब सर्वर को लॉन्च करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग 3 टियर एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं वीपीसी, किसी भी वीपीसी के अंदर कैसे एक 3 टियर एप्लीकेशन को हम लोग डिजाइन करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आप रख लो कि ऑलमोस्ट 60 to 70% टाइम ऐसा होगा जो ये क्वेश्चन आपके पास आएगा कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू डिजाइन अ 3 टियर एप्लीकेशन ऑन AWS। ओके, तो चलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वेब एप्लीकेशन के बारे में। वेब एप्लीकेशन में टोटल 3 टियर्स होते हैं, वेब सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया और डेटाबेस सर्वर हो गया। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन है। एक नॉर्मल एप्लीकेशन को ये तीनों के तीन चीजें चाहिए। बट यहाँ पे अब AWS का क्या काम है, हम लोग को ये डिसाइड करना है कि वीपीसी के अंदर किस टाइप के सबनेट के अंदर किस टाइप के सर्वर को रखा जाए और किस लेवल का एक्सेस हो उन सारे सर्वर्स पे। लाइक कौन से सर्वर को पब्लिक एक्सेस कर पाए, कौन से सर्वर को पब्लिक एक्सेस ना कर पाए, ये सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें वीपीसी के अंदर जब भी हम लोग 3 टियर एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो। तो फिर चलिए हम लोग नॉर्मल देखते हैं। ये एक नॉर्मल नेटवर्क है हम लोग का, जस्ट डोंट थिंक अबाउट, फॉरगेट अबाउट वीपीसी, ये एक नॉर्मल नेटवर्क है, ठीक है। तो हम लोग जब इस नॉर्मल नेटवर्क पे डिजाइन करते हैं एप्लीकेशन, तो हमारा काम क्या है, इस नॉर्मल नेटवर्क के अंदर हम लोग ये तीनों के तीनों सर्वर को रख देंगे। और पब्लिक उस नेटवर्क से कैसे कनेक्टेड होती है, राउटर के थ्रू। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारा हो गया राउटर। तो पब्लिक इस राउटर के थ्रू इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रही है। और इस एप्लीकेशन में पब्लिकली ये कैसे एक्सेस कर पाती है, हमारा क्या है, वेब सर्वर जो है, जो फ्रंट एंड है, जो यूआई है, जो यूजर इंटरफेस है, वो हमारा वेब सर्वर पे होस्टेड है। मींस एचटीएमएल फाइल हमारा वेब सर्वर पे होस्टेड है। मींस वेब सर्वर को पब्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सेस कर पाए। हम लोग को इस तरह से डिजाइन करना है ताकि कोई भी बंदा पूरे दुनिया में उस वेब सर्वर को एक्सेस कर पाए। बट अब आते हैं एप्लीकेशन सर्वर, जैसे कि जावा हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, पाइथन हो गया, नोड जेएस का यूज करके हम लोग एप्लीकेशन कोड को लिखते हैं, एप्लीकेशन लॉजिक को लिखते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एप्लीकेशन सर्वर्स को कभी भी पब्लिकली नहीं रखा जाता है, प्राइवेट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा सिक्योरिटी लगाएंगे कि कोई भी बंदा बाहर से जो एक्सेस कर रहा है ना, वो डायरेक्टली एप्लीकेशन सर्वर पे रीच कर ही ना पाए। आप लोग देख सकते हो यहाँ वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट वेब सर्वर पे रीच कर पा रहा है, ना कि एप्लीकेशन सर्वर पे। एप्लीकेशन सर्वर पे कैसे रीच कर रहा है, थ्रू वेब सर्वर। ये जो आप देख रहे हो, पहले वेब सर्वर पे ट्रैफिक आया, फिर वेब सर्वर से वो ट्रैफिक एप्लीकेशन सर्वर पे गया। फिर अगर आपको अपने वेब सर्वर से डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करना है, तो वो भी आप देख सकते हो इधर, कि कोई बंदा पहले वेब सर्वर पे आया और फिर वेब थ्रू वेब सर्वर वो बंदा एक्सेस कर पा रहा है डेटाबेस सर्वर को। मीन्स हमारे एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर, ये दोनों के दोनों सर्वर ना, इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम वेब सर्वर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इस तरह से, हम लोग अब ये जो भी मैंने आपको बताया, ये एक नॉर्मल नेटवर्क के अंदर नॉर्मली इस वेब एप्लीकेशन को डिजाइन किया हुआ है। चलिए अब इस चीज को हम लोग डिजाइन करते हैं वीपीसी के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये हमारा एक AWS अकाउंट है, उसके अंदर किसी भी एक रीजन के अंदर हम लोग वीपीसी को पहले लॉन्च कर लेते हैं। तो जो नेटवर्क मैंने आपको पहले दिखाया था, आप इस वीपीसी को वही नेटवर्क एज्यूम कर लो। अब इसके अंदर आप लोगों को मैंने क्या बोला, इस वेब सर्वर को पब्लिक एक्सेस देना है, बट एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं हो पाए। मींस हमारे पास कितने टाइप के सबनेट होते हैं, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। आप दो तरह के दोस्तों, दो तरह के सबनेट्स को क्रिएट कर सकते हो, एक होता है पब्लिक सबनेट, दूसरा होता है प्राइवेट सबनेट। पब्लिक सबनेट वो सबनेट होता है जिसके अंदर के सर्वर को कोई भी बंदा पब्लिकली एक्सेस कर पाए, और प्राइवेट सर्वर प्राइवेट सबनेट वो सबनेट है जहां के रिसोर्सेज को कोई भी बंदा पब्लिकली एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन अलग अलग तरह के सबनेट को डिजाइन करेंगे। पहला सबनेट होगा पब्लिक सबनेट, जहां पे हम अपना वेब सर्वर रखेंगे, क्योंकि पब्लिकली इट शुड बी एक्सेसिबल पब्लिकली। सेकेंड होगा प्राइवेट सबनेट, जहां पे हम लोग अपने एप्लीकेशन सर्वर को रखने वाले हैं, और थर्ड होगा हमारा डेटाबेस सर्वर। तो कि जो हमारा कंप्लीट 3 टियर एप्लीकेशन इस तरीके से डिजाइन होगा, जहां पे हमारा इंटरनेट गेटवे होगा। दोस्तों इंटरनेट गेटवे क्यों जरूरी है, बिकॉज जब तक आप इंटरनेट गेटवे को यूज नहीं करते हो अपने वीपीसी में, यू कैन नॉट एक्सेस योर सर्वर्स पब्लिकली, ठीक है। तो आप लोग ट्रैफिक भी फ्लो देख सकते हो, इंटरनेट गेटवे से कोई भी बंदा बस फ्रंट एंड से कनेक्ट कर सकता है, ना कि एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर से। ये सारी ये जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो इनसाइड दिस वीपीसी ही हो सकता है। आप चाहो, अगर आप फ्रंट एंड सर्वर के अंदर लॉग इन हो, उस प्रॉपर उस सर्वर पर लॉग इन हो, तो आप एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे,
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक नॉर्मल सा 3 टीयर एप्लीकेशन डिजाइन है। चलिए इस चीज को अब हम लोग पहले वीपीसी सॉरी पहले अपने कंसोल पे चलते हैं और इस चीज को पहले डिजाइन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए, हम लोग अपने कंसोल पे आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग को सीधा वीपीसी पे जाना है और यहाँ पे जाकर के आपको पहले एक वीपीसी क्रिएट करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक डिफॉल्ट वीपीसी ऑलरेडी है, मैंने आपको ऑलरेडी डिफॉल्ट वीपीसी के बारे में बता रखा है। बाय डिफॉल्ट AWS ने एक वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी प्रोवाइड करते हैं जहां पे उनका सारे के सारे नेटवर्किंग खुद से उन्होंने कर रखा है ऑलरेडी। आपको कोई भी राउट टेबल सबनेट कुछ भी सेटअप करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हम लोग उसे यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक अपना पर्सनल वीपीसी क्रिएट करेंगे। बिकॉज इवन क्लाइंट्स, जब भी आप कंपनी में काम करने जाओगे तो क्लाइंट डिफॉल्ट वीपीसी यूज नहीं करती है, दे ऑल्सो यूज कस्टम वीपीसी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट वीपीसी में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या क्रिएट करना है दोस्तों, आप या तो बस वीपीसी क्रिएट कर सकते हो या फिर वीपीसी और सबनेट दोनों क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका है इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो मैं वीपीसी और सबनेट दोनों क्रिएट करना है। अब देखते हैं, मैं इसका नाम प्रोजेक्ट नहीं रख के मैं इसका नाम रखूंगा 3 टीयर। ओके 3 टीयर हो गया। और आपको मैंने जैसा पहले ही मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है और जैसा मैंने आपको पहले ही इधर दिखाया है, क्या है हमें क्या क्रिएट करना है, एक पब्लिक सबनेट, दो प्राइवेट सबनेट, और दोनों के दोनों और तीनों के तीनों सबनेट्स होंगे एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में। तो हमें पहले ये काम करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपको एक पब्लिक सबनेट है यूएस ईस्ट वन में वन ए में एक, और एक पब्लिक और एक प्राइवेट है यूएस ईस्ट वन ए में एक, और एक पब्लिक और एक प्राइवेट है यूएस ईस्ट वन बी में। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बस एक ही अवेलेबिलिटी जोन में एक पब्लिक और दो प्राइवेट सबनेट्स को चाहिए। तो उसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैं अपने वीपीसी का साइडर ब्लॉक 10.0.0.0/16 रख रहा हूँ। यहाँ से मैं चलो IPv6 को फिलहाल के लिए ऑफ करके रखा है और यहाँ से मैं अपने अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करूंगा। ये हमें लेना है बस एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। अब देख सकते हो एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में मेरे पास ऑलरेडी एक पब्लिक और एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट हो चुका है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे एक और प्राइवेट सबनेट चाहिए। तो चलिए नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट आप कितना डालना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे एक करा है, एक पब्लिक सबनेट होगा, ठीक है। और ये उस पब्लिक सबनेट का साइडर रेंज है, तो आप साइडर रेंज ये दे सकते हो। तो चलिए इससे भी इजी चीज मैं ये कर देता हूँ, इसको मैं 1 करता हूँ और इसको 24 करता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट मैं डालने वाला हूँ 2। तो आप लोग देख सकते हो हमने जो सोचा था यहाँ पे वो सब हो चुका है। एक वीपीसी 3 सबनेट्स वो आपको दिख रहा है, एक वीपीसी और 3 सबनेट्स, उसके अंदर अपना उनका 3 राउटेबल भी क्रिएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेट गेटवे। दोस्तों नेट गेटवे क्या होता है ये चलिए मैं आपके पास आऊंगा इस चीज को लेकर के थोड़ी देर में, ठीक है। वीपीसी इन पॉइंट भी अभी नहीं देखेंगे और इसे भी मैं नन करके रखूंगा, ये सब हम लोग बाद में देखने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि अपने DNS होस्टनेम और DNS रेजोल्यूशन दोनों को आपको इनेबल करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ जितने सबनेट्स हैं उतने राउट टेबल्स उसने क्रिएट करा है, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना है, इसको बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। तो चलिए हम लोग हमारा वीपीसी ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो वीपीसी क्रिएट हो गया है हम लोग पब्लिक सबनेट में एक फ्रंट एंड सर्वर को लॉन्च करेंगे और प्राइवेट सबनेट में एक एप्लीकेशन सर्वर को लॉन्च करेंगे और लाइक थर्ड वाले प्राइवेट सबनेट में एक डेटाबेस सर्वर को लॉन्च करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपने फ्रंट एंड सर्वर को लॉन्च कर लेते हैं। पहले आपको लॉन्च इंस्टेंस पे जाना है। मैं यहाँ ट्राई न्यू करता हूँ, मैं अपने न्यू कंसोल को ट्राई करने वाला हूँ। तो हमारा फ्रंट एंड सर्वर को मैं चलो फ्रंट एंड नाम दे देता हूँ, ये फ्रंट एंड सर्वर है, मुझे एक इंस्टेंस चाहिए वर्चुअल टाइप। चलिए सॉफ्टवेयर इमेज आपको AMI जो भी है इसे एज इट इज आप रहने दो, डिफॉल्ट करके जैसा भी उसे डिफॉल्ट रहने दो। यहाँ से आपको अमेजन लाइनक्स सेलेक्ट करके रखना है, मेक श्योर कि ये सिलेक्टेड हो और मेक श्योर कि आप यहाँ पे फ्री टीयर एलिजिबल देख पा रहे हो, अदरवाइज यू विल इंक्योर सम चार्जेस। ओके इंस्टेंस टाइप भी जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो जैसे कि t.micro, मेक श्योर कि आप लोग को यहाँ पे फ्री टीयर एलिजिबल शो कर रहा हो। की पेयर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मेरे पास एक की पेयर है डेव अकाउंट तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। आपके पास नहीं होगा तो आपको एक न्यू की पेयर बनाना होगा। यहाँ पे अब आपको इंस्टेंस सेटिंग पे आना है और यहाँ से एडिट करना है। क्यों एडिट करना है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट इसने डिफॉल्ट वीपीसी सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है दोस्तों। और हमने क्या करा है, हमने अभी न्यू वीपीसी क्रिएट करा है। तो मैं अभी नेटवर्क सेटिंग को एडिट करूंगा, यहाँ से वीपीसी को मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ से हमारा फ्रंट एंड सर्वर पब्लिक सबनेट में लॉन्च होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट एंड सर्वर क्या है, मैं इसे पब्लिक सबनेट में लॉन्च कर रहा हूँ। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, मुझे पब्लिक आईपी चाहिए बिकॉज जब तक आपके सर्वर पे पब्लिक आईपी असाइंड ना हो कोई भी बंदा पब्लिकली आपके सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों।
सर्वर को एक्सेस करने का मतलब जो भी वेबसाइट आपके सर्वर पर रन कर रहा है उस वेबसाइट को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करा हुआ है, मैं यूजुअली डिफॉल्ट ही यूज करता हूँ डिफॉल्ट पे। ओके ठीक है, ये जो एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इसको अभी आपको टच नहीं करना है, इसे स्किप करना है आपको। फिर वहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे आपको एक एडवांस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, उस एडवांस डिटेल्स में आना है आपको। वहाँ से इंस्टेंस प्रोफाइल फिलहाल आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, मैं इस कंसेप्ट पे बाद में आने वाला हूँ आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आपको सबसे नीचे जाना है और ये यूजर डेटा देखना है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे यूजर डेटा क्या है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में नहीं बताया है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके EC2 इंस्टेंस में कोई भी स्क्रिप्ट रन हो, लेट सपोज कि मैं वेब सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे अपाचे इंस्टॉल करता हूँ, फिर अपना जो HTML फाइल है उसे डाउनलोड करके उसे /var/www/html के अंदर उस index.html फाइल को रखता हूँ, जिससे कि मेरा जो वेबसाइट है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। दोस्तों ये काम मैं मैनुअल करता हूँ, मैं चाहूँ तो ये काम को मैं बाय यूजिंग स्क्रिप्ट मैं ऑटोमेटिकली भी कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो, जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो, वो एज अ सर्वर नहीं एज अ वेब सर्वर लॉन्च हो, एज अ ब्लैंक सर्वर नहीं बल्कि एज अ वेब सर्वर लॉन्च हो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो भी कमांड इस यूजर डेटा पे अभी लिखूंगा ना, ये सारे के सारे कमांड अभी ही रन कर जाएंगे। जैसे ही ये इंस्टेंस लॉन्च होता है वो सबसे पहला काम क्या करेगा, आपके इस यूजर डेटा में लिखे हुए आपके कमांड को रन करेगा, ठीक है, ताकि आपको मैनुअली बाद में कोई भी कमांड रन ना करना पड़े। एक तरह से ये आपके कुछ मैनुअल इंस्टॉलेशन को ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। तो आइए आप लोग देखते हैं यूजर डेटा लिखते कैसे। तो सब इसी लिनक्स में मैं बता रहा हूँ, अभी मैं जो भी बता रहा हूँ आपको ये लिनक्स मशीन के लिए। तो पहले आपको यहाँ पे हैश करना है, ऐसे लिखना है, फिर /bin/bash आना है, ठीक है, यहाँ से इंटर करना है। मैंने जब मैनुअली वेब सर्वर लॉन्च करा था तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको यम अपडेट रन करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले yum update -y रन करूंगा। इससे क्या होगा, जो भी पैकेजेस होंगे EC2 इंस्टेंस के वो सारे के सारे पैकेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। अब इसके बाद वेब सर्वर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना होता था, हमें इंस्टॉल करना होता था httpd, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे yum install httpd। इसके बाद हम क्या करते थे, हम लोग अपने index.html फाइल को /var/www/html के अंदर रखते थे, और फिर हम लोग httpd को रीस्टार्ट करते थे बाय यूजिंग systemctl restart httpd। दैट्स इट दोस्तों, बस इतना लिखना है और ये सारे के सारे जैसे मेरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे के सारे कमांड्स ऑलरेडी रन कर चुके होंगे। तो मैं यहाँ चलिए लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब तक ये इंस्टेंस लॉन्च होता है हम लोग अपने एप्लीकेशन सर्वर को क्रिएट कर लेते हैं। तो आइए चलिए हम लोग पहले अपने एप्लीकेशन सर्वर को क्रिएट करते हैं। तो एप्लीकेशन सर्वर को क्रिएट करने के लिए फिर से आपको लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको चलिए मैं न्यू कंसोल के मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से। यहाँ पे मैं इसका जो नाम होगा वो दूंगा मैं एप्लीकेशन सर्वर। ये सबको एज इट इज रहने देना है आपको। नीचे जाना है, की पेयर सेलेक्ट करना है आपको, डेव अकाउंट, यहाँ से नेटवर्क सेटिंग पे एडिट करना है, 3-tier VPC, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों मैं इसे ऑटो असाइन पब्लिक IP, मैं इसे पब्लिक IP असाइन नहीं करूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि पब्लिकली कोई भी बंदा इस सर्वर को एक्सेस कर पाए, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे इन बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सिक्योरिटी ग्रुप है दोस्तों, मैं आप लोग एक बात बता दूं, क्या हम लोग यहाँ पे सेम सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर सकते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको सिक्योरिटी ग्रुप का कंसेप्ट बता रखा है। चलिए फिलहाल के लिए मैं इसे डिफॉल्ट ही रखता हूँ, इस चीज़ में मैं आपको थोड़ी देर बाद इस डिटेल में मैं आपको आऊँगा, ठीक है। फिर यूजर डेटा हम लोग को यहाँ भी सेम काम करना है, यहाँ से yum update -y कर देते हैं, यहाँ से yum install। अब एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर पर क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं? चले मैं सोच रहा हूँ कि एप्लीकेशन सर्वर में जावा इंस्टॉल करूँ, ठीक है। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ कमांड्स यहाँ पे लिखने होंगे, मैं वो कमांड्स यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ। ओके, ये जो पहला कमांड है wget कमांड, ये कमांड दोस्तों क्या करता है, ये सबसे पहले आपके आप जो मैवेन होता है मैवेन को ये क्या करेगा, रिपोजिटरी में ऐड करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यम रिपोजिटरी में ऐड करते हैं पहले अपाचे मैवेन को, उसके बाद हम उसे इंस्टॉल करते हैं।
तो ये जो कमांड है ये क्या करता है, हमारे जावा, सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करेगा, अपाचे मैवन को इंस्टॉल करेगा। दोस्तों अपाचे मैवन और जावा क्या होता है, जावा एक कोड है, एप्लीकेशन सर्वर पे जावा कोड को यूज किया जाता है, और इस कोड को बिल्ड करने के लिए, आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उस कोड को आपको एक तरह से एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए मैवन का यूज किया जाता है। तो हम लोग इन सारे चीजों को यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इसे इंस्टॉल करके हम लोग इसे भी लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा एप्लीकेशन सर्वर भी लॉन्च हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग का थर्ड टीयर क्या था, थर्ड वाले टीयर क्या था, वो था हमारा डेटाबेस इंस्टेंस। तो चलिए अब हम लोग एक डेटाबेस के लिए एक अलग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, फिर से इसे मैं, चलो न्यूली इंस्टेंस, न्यूली कंसोल पे चले जाता हूँ। यहाँ से मैं इसे करूंगा डेटाबेस डीबी सर्वर। डेटाबेस सर्वर के अंदर आपको उसी तरह नीचे आना है, td.micro की पेयर आपको डेव अकाउंट रखना है, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में एडिट करना है, थ्री टीयर वीपीसी पे जाकर के आपको, एक सेकेंड, आई थिंक मुझे लगता है मैंने एप्लीकेशन सर्वर पब्लिक सबनेट में ही लॉन्च कर दिया। अच्छा मैं देख लेता हूँ उसे, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। फिलहाल मैं डेटाबेस सर्वर को इस प्राइवेट टू यूएस ईस्ट वर्डे में डालता हूँ, इसे भी मैं पब्लिक आईपी असाइन नहीं करने वाला हूँ, और इसे भी मैं एक नॉर्मल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पे ही अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ये सब आपको इसी तरह एज इट इज रखना है, और फिर से यहाँ भी एडवांस पे आइए, और फिर से इसके लिए अब यूजर डेटा मेंशन करना है आपको। यहाँ से बिन बैश, यहाँ से आपको यम करना है, अपडेट हाइफन वाई, फिर इसके बाद यम इंस्टॉल, चलिए मैं करता हूँ माई एसक्यूएल इंस्टॉल, ओके। इसे मैं यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने हमने हमारा तीनों के तीनों इंस्टेंस लॉन्च कर दिया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन सर्वर कौन से सबनेट में लॉन्च हुआ है। एप्लीकेशन सर्वर पे जाके आप जैसे इस नेटवर्किंग में क्लिक करते हो, आपके सारे के सारे नेटवर्किंग डिटेल्स आप देख सकते हो। नेटवर्किंग डिटेल्स का मतलब क्या होता है, कौन से वीपीसी में रन कर रहा है, कौन से सबनेट पे है, क्या राउट टेबल है, क्या सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करा हुआ है आपने, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। आप लोग देख सकते हो इसे मैंने पब्लिक सबनेट में ही गलती से लॉन्च कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसे मैं पहले टर्मिनेट करूँगा, एक फिर से एक न्यू इंस्टेंस को मैं पहले क्रिएट करूंगा एप्लीकेशन सर्वर नाम से। एप्लीकेशन सर्वर पे आपको नीचे आना है, और यहाँ से की पेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको एडिट करके इसे आपको थ्री टीयर पे आना है, और यहाँ से प्राइवेट प्राइवेट सबनेट को सेलेक्ट करना है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को आपको डिसेबल रखना है, सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप पे करो आप, और इस यहाँ पे आप इसे डिफॉल्ट ले लेते हैं हम लोग। फिर से एडवांस डिटेल में जाते हैं हम लोग, और एक सेकेंड देखने तो मुझे वो ऑलरेडी टर्मिनेट हो गया क्या, तो ये टर्मिनेट हो चुका है, बट यहाँ पे मैंने जो यूजर डेटा रखा था वो देखता हूँ मैं इसे फिर से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या नहीं उस डेटा को। एडिट यूजर डेटा पे जाते हैं, ओके वी कैन एक्सट्रैक्ट। सो इस यूजर डेटा को आप यहाँ से कॉपी कर लो, और सेम यूजर डेटा मुझे अगेन इस वाले एप्लीकेशन सर्वर पे रन रन करना है। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ से लॉन्च। अब ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर भी लॉन्च होने लगा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पहले कनेक्ट करते हैं फ्रंट एंड से। तो दोस्तों फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करेंगे, हमारे पास हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, आप यहाँ से कनेक्ट करो, यहाँ से एसएसएस क्लाइंट पे आओ, और ये वाला जो कमांड है इसका यूज करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे एलएस कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो मेरा डेव अकाउंट .m यहाँ पे है अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं अब इसे पेस्ट करूंगा और इंटर मारूंगा। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, चलिए देखते हैं, ये मीन्स कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, चलिए देखते हैं क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। इससे पहले हम लोग एग्जिट करते हैं, ओके। तो चलिए अब हम लोग इस चीज को ट्रबल शूट करेंगे दोस्तों। ये जो ट्रबल शूटिंग मैं सिखाने वाला हूँ आप लोग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग पहले अब चलते हैं अपने वीपीसी पे। हमारा नेटवर्किंग कंपोनेंट का मतलब होता है, जहाँ नेटवर्किंग कंपोनेंट बात आया मीन्स यू हैव टू चेक वीपीसी, ठीक है। हम जब वीपीसी पे पहले इसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, देखते हैं क्यों क्यों नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। हमारे हमारा जो EC2 इंस्टेंस है इसका नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हम लोग देखते हैं, हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, हमारे पास पब्लिक डीएनएस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट डीएनएस, ये सबनेट्स, ये सारे की सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ ब्लॉकेज कर सकता है आपके, लाइक आप जब ट्रैफिक सेंड कर रहे हो, अपना ट्रैफिक जब आप सेंड कर रहे हो वेब सर्वर पे, तो बीच में क्या ऐसा है जो ब्लॉक कर सकता है, वो ये है कि कोई भी ऐसा फायरवॉल टाइप का कोई चीज़ हो
जो कि आपको अलाउ ही ना करे। भले ही इस इंस्टेंस के बाद पब्लिक आईपी एड्रेस है, बट बीच में कोई ऐसा फायरवॉल हो जो बाहर से आने वाले ट्रैफिक को रोक रहा हो। तो वो कैसे चेक करते हैं दोस्तों, आपको याद होगा मैंने सिक्योरिटी ग्रुप आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पहले सिक्योरिटी ग्रुप से देखने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो नया वाला जो वीपीसी है वो कौन सा वीपीसी है। आई थिंक ये वीपीसी हमारा न्यू वाला वीपीसी है। ओके तो चलिए मीन्स ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो हमारे न्यू वीपीसी के साथ क्रिएट किया हुआ सिक्योरिटी ग्रुप है। दोस्तों जब भी आप वीपीसी क्रिएट करते हो तो एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाता है, ये वही डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है और मैंने सारे के सारे ईसी टू इंस्टेंस पे यही डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, अब सिंस मेरे इस ईसी टू इंस्टेंस को पब्लिकली कोई बंदा एक्सेस करना चाहता है, तो मैंने आपको सिक्योरिटी ग्रुप का कंसेप्ट बताया था। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इस इनबाउंड रूल को एडिट करना है। दोस्तों इनबाउंड रूल को एडिट क्यों करोगे आप, जैसे ये हमारा फ्रंट एंड सर्वर है, ट्रैफिक अभी बाहर से आ रहा है, यहाँ से ट्रैफिक आया और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप। तो सबसे पहले ये ट्रैफिक क्या देखेगा कि सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर रहा है कि नहीं। आपको अलाउ करने का मतलब क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर रहा है कि नहीं, वो आपको इनबाउंड रूल बताता है। इनबाउंड रूल पे जब आप आते हो तो आपको दिख रहा है सारे के सारे ट्रैफिक अलाउड है, बट कहाँ से अलाउड है, सिक्योरिटी ग्रुप से, मीन्स विद इन दिस सिक्योरिटी ग्रुप। मतलब अगर इसी ईसी टू का कोई भी, अगर इसी ईसी टू से कोई भी ट्रैफिक इसी ईसी टू पे भेजा जाए तभी वो एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बिकॉज सारे के सारे ट्रैफिक अलाउड हैं बाय यूजिंग द सेम सिक्योरिटी ग्रुप विच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू दिस इंस्टेंस। यही रीजन है दोस्तों कि हम लोग कोई भी बंदा अभी बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑल रूल ऐड करेंगे यहाँ पे, फिर से चलिए ऑल ट्रैफिक ले लेते हैं और यहाँ पे पब्लिकली एक्सेसिबल के लिए हम लोग इसे करेंगे 0.0.0.0/0। उसके बाद हम लोग इस रूल को जो है यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब हमारा EC2 इंस्टेंस जो है वो पब्लिकली आपको लॉन्च हो जाएगा बिकॉज हमने पब्लिकली एक्सेस इसे दे रखा है। ठीक है, चलिए और चीज देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, अब अभी कंपोनेंट में आपको राउट टेबल भी टेस्ट करना है, बिकॉज हम लोग ये भी चेक करते हैं। आप लोग कैसे चेक करना है राउट टेबल, आपको इंस्टेंस पे आना है, ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, सॉरी ये टर्मिनेटेड है, ये हमारा रनिंग एप्लीकेशन सर्वर है, यहाँ से आपको नेटवर्किंग पे आना है और वहाँ पे आप किस सबनेट में आपका EC2 इंस्टेंस है उसको क्लिक करना है। जब वो सबनेट ओपन हो जाए, ठीक है, इस सबनेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे राउट टेबल पे आपको आना है। यहाँ से पता चलता है कि आपका राउट टेबल आपके ट्रैफिक को किधर सेंड कर रहा है। आपका राउट आप देख सकते हो, जो राउट टेबल है जो इस सबनेट से अटैच्ड है, मतलब ये वाला जो सबनेट दिख रहा है ना आपको पब्लिक सबनेट, इस पब्लिक सबनेट से जो भी राउट टेबल अटैच्ड है वो अपने ट्रैफिक को किधर भेज रहा है, वो अपने ट्रैफिक को इस डेस्टिनेशन पे भेज रहा है, इस साइडर रेंज पे भेज रहा है। और ये साइडर रेंज किसका है, हमारा वीपीसी का है। मीन्स ये जो राउट टेबल है जो इस सबनेट से अटैच्ड है वो सारे के सारे ट्रैफिक को इसी वीपीसी के अंदर, ये जो वीपीसी है इसी के अंदर घुमा रहा है गोल गोल, इस वीपीसी से बाहर निकलने नहीं दे रहा ट्रैफिक को, आपको इसी वीपीसी के अंदर क्या है वो रोक के रखा हुआ है। बट पब्लिकली अगर एक्सेस करना है चीज़ों को तो हमारा जो ट्रैफिक है वो बाहर जाना चाहिए वीपीसी से, तभी वो कोई भी बंदा एक्सेस कर पाएगा पब्लिकली। तो वो कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे भी इस जो राउट है ना, इस राउट को भी हम लोग एडिट करते हैं। राउट को एडिट कैसे करेंगे, यहाँ से आपको इस राउट टेबल पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप राउट टेबल पे पहुँच जाओगे, वहाँ से आपको राउट्स पे जाना है, यहाँ पे एडिट राउट पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड राउट करना है। ऐड क्या करना है, पब्लिक इंटरनेट, मुझे अपने सारे ट्रैफिक को पब्लिक इंटरनेट पे भेजना है। ठीक है, और किस रास्ते से होके जाएगा, वाया क्या होगा, तो ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, ट्रैफिक पब्लिक इंटरनेट पे जाएगा वाया इंटरनेट गेटवे। तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो ये हुआ हमारा राउट टेबल का कॉन्फ़िगरेशन। आप सबनेट एसोसिएशन पे भी देख सकते हो, हमने जो सबनेट क्रिएट करा था वो सबनेट यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो चलिए अब हम लोग फिर से इस इंस्टेंस को यहाँ पे लॉन्च करने का कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा इंस्टेंस, यहाँ पे इंटर मारा हमने और देखिए हमारा इंस्टेंस अब कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट ये हो जा रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ क्या आ रहा है, अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल परमिशन 0644 फॉर दिस वन आर टू ओपन। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले इस की पे परमिशन चेंज करना है। दोस्तों उसके लिए आपको ये मत सोचना कि ये थोड़ा भी डिफिकल्ट काम है क्या कुछ, या फिर कुछ भी, आपको एप्लीकेशन सर्वर पे आना है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्रिएट करना है। आप लोग देख सकते हो ये पहले दिया रखा है, आपको सबसे पहले ये कमांड जरूर रन करना है। उसको आइए यहाँ पे पेस्ट कीजिए, आपको ये कमांड रन कीजिए, इसके बाद फिर से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है।
ये जो आईपी एड्रेस है 10.0.11.7, आइए हम लोग देख लेते हैं किधर गया। देखिए ये मैं कौन से इंस्टेंस पे हूँ, सॉरी ये मैं पब्लिक इस पे हूँ, फ्रंट एंड ये रहा। ओके हाँ ये रहा, ये हमारा इंस्टेंस आईडी है 10.0.11.87। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने फ्रंट एंड सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं जो हम लोगों ने यूजर डेटा रन करा था, जिससे कि हम लोग वेब सर्वर में कन्वर्ट किए थे इस सर्वर को, वो यूजर डेटा सही से रन हुआ है या नहीं। तो वो कैसे पता करेंगे, हम लोग को बस ये देखना है कि हमारा HTTPD सर्विस रन कर रहा है या नहीं। सिस्टम CTL सूडो के साथ करते हैं, सूडो सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD। आप लोग देख सकते हो हमारा HTTPD सर्विस रनिंग है, हमने कुछ भी मैन्युअली इंस्टॉल नहीं किया, हमने मैन्युअली स्टार्ट भी नहीं किया, बट हमारा जो वेब सर्वर है वो रनिंग है। और हम लोग चलिए इस वेब सर्वर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इस ओपन एड्रेस पे यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपके एड्रेस को ओपन कर देगा। चलिए ये अभी फेल हो रहा है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये HTTPS फाइंड करना है कर रहा है, बट हमें HTTPS नहीं, हमें HTTP चाहिए। इंटर करो, आपको हमारा वेब पेज क्या होगा, एक्सेस हो पाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे HTTPS क्यों नहीं काम कर रहा है, बिकॉज दोस्तों HTTPS के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे ACM के टॉपिक पे। ठीक है, फिलहाल बिना सर्टिफिकेट के हमारा वेब सर्वर लॉन्च हो रहा है। तो ये रहा हमारा वेब सर्वर, अब चलते हैं एप्लीकेशन सर्वर पे। अब दोस्तों आप लोग को याद होगा मैंने एप्लीकेशन सर्वर को प्राइवेट सॉरी पब्लिक आईपी एड्रेस दिया ही नहीं था। ठीक है, तो अब हम लोग इसे एक्सेस कैसे करें, हम लोग तो एक्सेस करने के लिए कनेक्ट करते हैं यहाँ से पब्लिक, ये जो कनेक्ट करते हैं इसे क्लिक करते हैं, और पहले इसे मैं एग्जिट हो जाता हूँ। ये हमारा अभी लोकल लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे जाके ये करके देखते हैं कनेक्ट हो रहा है कि ना। आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है ही नहीं। और जब तक पब्लिक आईपी एड्रेस आपके पास है नहीं, तब तक पब्लिकली कोई भी बंदा आपके सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या तरीका है इस एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करने का, तो दोस्तों पहले आप लोग ये देखो हमारा एजेंडा क्या था 3TR एप्लीकेशन में। हमारा एजेंडा यही था ना दोस्तों कि कोई भी बंदा पब्लिकली एप्लीकेशन सर्वर को डेटाबेस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, वही हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कि कोई भी बंदा इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ इशू क्या है। अब लेट्स सपोज ये कंपनी मेरी है, एप्लीकेशन मैंने बनाया है, अब मुझे एक्सेस करना है, तो भाई मैं कैसे एक्सेस करूंगा, ये भी तो एक लोचा है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि मैं पहले इस फ्रंट एंड सर्वर पे जाऊंगा और उस सर्वर से इस एप्लीकेशन सर्वर को मैं एक्सेस करूंगा, और वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्यों एक्सेस हो पाएगा मैं आपको ये भी बताता हूँ, बिकॉज VPC पे आ जाते हैं, सॉरी पहले यहाँ पे आ जाते हैं इसी इंस्टेंस पे, इसके नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में देखते हैं हम लोग सबनेट को, ये कहाँ पे रन हो रहा है, US East 1 में प्राइवेट सबनेट में। ठीक है, इस प्राइवेट सबनेट को पहले मैं ओपन करता हूँ सबनेट को। ये हमारा सबनेट है, लेट मी रिफ्रेश दिस। ठीक है, ये हमारा सबनेट है, इस पे क्लिक करते हैं। ओके तो चलिए ये हमारा सबनेट ओपन हो चुका है, इसके अंदर वो, अब हम लोग इसके अंदर के राउट टेबल को देखते हैं दोस्तों। ओके तो ये कौन से सबनेट में है, ये प्राइवेट सबनेट में है, बट इसका जो राउट टेबल है, इस पे जो राउट टेबल है वो क्या है, वहां पे ऑलरेडी इंटरनेट गेटवे अटैच किया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, पहले मैं एक बार फ्रंट एंड सर्वर के सबनेट को देखना चाहता हूँ, फ्रंट एंड सर्वर पे कौन सा सबनेट है। ओके फ्रंट एंड सर्वर पे पब्लिक सबनेट है। ठीक है, कहाँ गया। ओके तो एप्लीकेशन सर्वर पे ये प्राइवेट सबनेट है, बट दोस्तों जब प्राइवेट सबनेट है और ये राउट टेबल भी प्राइवेट ही है, तो हमने इस पे इंटरनेट गेटवे क्यों लगा रखा है, हमें इस पे इंटरनेट गेटवे नहीं रखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटरनेट गेटवे को यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से राउट पे जाएंगे हम लोग, यहाँ से एडी राउट करेंगे, और इस इंटरनेट जो एक्सेस है इसे हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, सॉरी इसे मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, सेव। अब क्या होगा कि हमारा जो भी ट्रैफिक है इस प्राइवेट सबनेट के अंदर का, जो भी ट्रैफिक है वो विद इन VPC ही रहेगा, बिकॉज हमने राउट टेबल पे इंटरनेट गेटवे का कोई भी SIP एड्रेस डाला ही नहीं है, इंटरनेट का लाइक 0.0.0.0/0 डाला है, जो साइडर रेंज है। ठीक है, वो डाला ही नहीं है, मीन्स हमने क्या डाला है, इस VPC का जो साइडर रेंज है वो हमने डाला है, तो हमारा जो ट्रैफिक है वो इसी VPC के अंदर रह जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग को क्या चेक करना है, सिक्योरिटी ग्रुप। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले फिलहाल हम लोग नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च करते हैं, बाकी बाद में। पहले इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, कुछ नाम डाल देता हूँ ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। मैं इसका नाम थ्री टीयर रखता हूँ। अब चलिए थ्री टीयर इसके मैं पब्लिक रखता हूँ, ये पब्लिक सिक्योरिटी ग्रुप है, बिकॉज इस सिक्योरिटी ग्रुप को मैंने फ्रंट एंड सर्वर के साथ लगा रखा है। बट आप बताओ, क्या सेम सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग एप्लीकेशन सर्वर के साथ लगा सकते हैं? बिकॉज इस सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये तो पब्लिक एक्सेस को अलाउ कर रही है, तो फिर इसे मैं एप्लीकेशन सर्वर पे क्यों लगाऊं? बिकॉज मैं चाहता हूं कि कोई भी एप्लीकेशन सर्वर पे पब्लिकली उस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप यहां से क्रिएट कर लूंगा, उसे मैं थ्री टीयर करूंगा और इसे मैं करता हूँ प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, मैं जो भी था एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो वीपीसी है, जो थ्री टीयर वीपीसी, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले वीपीसी पे होगा। और यहाँ पे ऐड रूल कर देता हूँ, और ऐड रूल्स में मैं क्या रखता हूँ, ऑल ट्रैफिक अलाउड है बट इट विल बी विद इन अ सेम सिक्योरिटी ग्रुप। तो इसका मतलब होता है ये विद इन सेम सिक्योरिटी ग्रुप, ये क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है आपके ट्रैफिक को। ठीक है, अब इसे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अब एक बार हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर था, एप्लीकेशन सर्वर से पुराने वाले सिक्योरिटी ग्रुप को रिमूव करूंगा और नए वाले सिक्योरिटी ग्रुप को वहां पे अटैच करूंगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, यहाँ पे आपको आना है सिक्योरिटी में। तो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से अटैच किया हुआ है, आपको यहाँ से एक्शन पे जाना है, सिक्योरिटी पे जाना है, और यहाँ पे आपको चेंज सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो पहले पुराने वाले को रिमूव करोगे इधर से, और जो नया मैंने अभी क्रिएट करा है थ्री टीयर प्राइवेट एसजी, इसे क्रिएट करोगे, इसे ऐड करोगे और यहाँ से सेव करोगे आप। ओके, यहाँ पे आपको पहले ऐड सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करना है, फिर इसे सेव करना है। तो हमारा जो न्यू सिक्योरिटी ग्रुप था, वो इसे अब अलाउ, वो इसे अब अटैच हो चुका है। तो अब दोस्तों हमने क्या करा है, हमने जो भी नेटवर्किंग अभी करा है उसके हिसाब से ये जो एप्लीकेशन सर्वर है, वो सर्वर अब फ्रंट एंड से एक्सेसिबल होना चाहिए। तो फ्रंट एंड से एक्सेसिबल होने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले फ्रंट एंड को कनेक्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से ये रखो आप, चलिए हम लोग फ्रंट एंड से कनेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कनेक्ट क्या करेंगे, अब हमें कनेक्ट करना है एप्लीकेशन सर्वर को। तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट पे आएंगे और यहाँ से ये वाले इसे एक्सेस करेंगे, यहाँ से इसे आप यस करोगे और इंटर। आप लोग देख सकते हो हम लोग अभी कनेक्ट हुए या नहीं, पहले ये बताओ दोस्तों आप लोग। नहीं हो रहा है कनेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, परमिशन डिनाइड। अब आप लोग सोचो दोस्तों कि ये परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है, हम लोग फ्रंट एंड एप्लीकेशन से भी तो वही, यही तो हमारा काम है, हमारा टारगेट क्या है, हम लोग फ्रंट एंड से इस एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर पाए। तो ये देखो, ये जो कमांड मैंने डाला था दोस्तों, ये क्या था, SSH-I dev account.pim, मीन्स जब भी ये SSH करने का कोशिश कर रहा है इस वाले सर्वर पे, एप्लीकेशन सर्वर पे, तो वो क्या खोज रहा है, सबसे पहले वो आपको dev-account.pim फाइल ये सर्च कर रहा है वो। बट क्या आपके सर्वर पे वो है, ls करके देख लो, इस हमारे सर्वर पे तो .pm फाइल है ही नहीं, यही रीजन है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उसे कनेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं ना, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आपको एग्जिट कर जाना है, और जिस लोकेशन पे आपका पेम है आपको उस लोकेशन पे रहना है। हमें दिख रहा है हमारा जो पेम फाइल है वो dev-account इस लोकेशन पे है, तो मैं इस लोकेशन पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें पहले SSH, इस SSH एजेंट को ऐड करना होता है। उसके लिए आपको, जब अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो SSH-add (k) होगा, हाइफन कैपिटल के। अगर यही आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो -L होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना जो पेम फाइल है उसे ऐड करके इंटर मारना है। ओके, ये जो है हमारा ऐड हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे सबसे पहले फ्रंट एंड पे जाके पहले हम लोग फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, ये पूरा आप लोग मत उठाना, पहले मैं बोलता हूँ ये उठाओ आप, बस DNS उसका एड्रेस और SSH करो, SSH-A रखो यहाँ पे आप। उसके बाद हमारा यूजर नेम @ जो हमारा DNS है, यहाँ पे करके इंटर मारो आप।
आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने ईसी टू इंस्टेंस से फ्रंट एंड सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। बट अब क्या, अब हम लोग को एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये जो आपने ऐड करा है ना इधर, इस रीजन से अब आप लोग बिना पेम फाइल को इस लिनक्स सर्वर पे, इस फ्रंट एंड सर्वर पे कॉपी किए हुए आप लोग एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एप्लीकेशन सर्वर पे आते हैं और यहाँ पे यहाँ से हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको SSH लिखना है, ईसी टू यूजर लिखना है और @ जो आपका IP एड्रेस है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग देख सकते हैं हम लोग अभी अपने एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। पहले हम लोग अब हम लोग एग्जिट करेंगे तो हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग अपने फ्रंट एंड पे कनेक्ट कर चुके हैं। ये हमारा फ्रंट एंड है 10.0.11.87। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमने क्या इंस्टॉल करा था फ्रंट एंड में, सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, ये हमने करा था, यह एक्टिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग SSH कर रहे हैं कहाँ पे, एप्लीकेशन सर्वर पे @। तो आप लोग देख रहे हो दोस्तों ये सिक्योर हो गया ना हमारा एनवायरमेंट, बिकॉज हम लोग एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं बट नॉट फ्रॉम द पब्लिक इंटरनेट। हम लोग पहले फ्रंट एंड पे एक्सेस कर रहे हैं और फिर फ्रंट एंड हम लोग अभी अपने एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम लोग अपने एप्लीकेशन सर्वर के अंदर आ गए तो यहाँ भी सेम कमांड हम लोग देख लेते हैं, कन्फर्म हो लेते हैं ताकि आप लोग भी कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल ही नहीं है क्योंकि हम लोगों ने एप्लीकेशन सर्वर पे HTTPD इंस्टॉल नहीं करा था। हमने क्या इंस्टॉल करा था आपको याद होगा दोस्तों, हमने मैवेन और जावा, ये दोनों इंस्टॉल करा था। तो हम लोग जावा देख लेते हैं, यहाँ से जावा करके -- वर्जन देते हैं। ओके, ये जावा कमांड फाइंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो यूजर डेटा पे जो मैंने जावा इंस्टॉल करा था वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो हमारा यूजर डेटा फेल हो गया है। कोई बात नहीं, पहले चेक कर लेते हैं मैवन इंस्टॉल हुआ है, यानी दोस्तों मैवन भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ओके, तो देयर इज अ रीजन कि यहाँ पे ये इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ है। तो चलिए उस रीजन पे मैं बाद में आऊँगा, चलिए मैं रीजन बता देता हूँ, उस चीज़ को रिजॉल्व मैं बाद में करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो रीजन ये है कि ये जो इंटरनेट है ना, ये जो एप्लीकेशन सर्वर है, इसे तो मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया ही नहीं। आपको याद होगा मैंने राउट टेबल वगैरह सब कुछ बंद करके रखा है, इसमें कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। एंड सेम थिंग गोज फॉर डेटाबेस सर्वर एज वेल, डेटाबेस सर्वर पे भी कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। और जो हमारा सर्वर है वो जावा मैवन ये सब कैसे इंस्टॉल कर रहा है, इंटरनेट से ही तो इंस्टॉल कर रहा है ना दोस्तों। तो ये रीजन है कि हमारा एप्लीकेशन सर्वर पे कोई भी जावा मैवन इंस्टॉल नहीं है, बिकॉज उस पर कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। एक बार हम लोग ये चीज़ों को चलिए डेटाबेस सर्वर पे टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग पहले डेटाबेस सर्वर पे आते हैं, उससे भी हम लोग कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट, ये उठाते हैं यहाँ से और हम लोग SSH -EC2 user @ यहाँ से करके येस करते हैं, ठीक है। ओ एक सेकंड, सॉरी, हम लोग को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना है ना, तो फ्रंट एंड से आते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग SSH -EC2 user @ इंटर करते हैं, यहाँ से यस करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी अपने डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट कर चुके हैं और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे MySQL इंस्टॉल है या नहीं। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा MySQL भी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो क्या रीजन हो सकता है, यही रीजन है कि बिकॉज इस ये सर्वर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है। वो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ से yum update यहाँ से रन करो, आप लोग देख सकते हो फेल्ड, ये अपडेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी, सॉरी, यहाँ पे क्या दे रहा है, यू नीड टू बी रूट टू परफॉर्म दिस कमांड। चलिए पहले हम लोग रूट से परफॉर्म कर लेते हैं, देख सकते हो रूट से परफॉर्म करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये फेल्ड हो जा रहा है। क्यों? बिकॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, यही रीजन है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग कर्ल कर लेते हैं, curl google.com। आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये google.com को भी कर्ल नहीं कर पा रहा है, मीन्स ये इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है तो कैसे कर्ल करेगा। तो दोस्तों यही रीजन है कि अभी हमारा जो सर्वर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व करेंगे वो मैं आप लोग को आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल आप लोग ये तो समझ गया कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करना है, कैसे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को कैसे डिजाइन करना है, कैसे राउट टेबल पे आपको सारे राउट्स को रखना है। चलिए हमने डेटाबेस सर्वर के राउट टेबल और सबनेट्स को नहीं देखा था, तो चलिए डेटाबेस सर्वर के हम लोग के राउट टेबल को हम लोग देख लेते हैं। तो डेटाबेस सर्वर पे आना है आपको, नेटवर्किंग कंपोनेंट पे क्लिक करना है, यहाँ सबनेट देखना है, क्या हमने सबनेट रखा है, private 2, ठीक है। इस सबनेट को हम लोग पहले न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। जब हमने इसे न्यू टैब में ओपन करा तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके राउट्स को देखना है हमें, राउट टेबल, ये कौन सा राउट टेबल पे है, इस वाले राउट टेबल पे, और इसका राउट क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते
तो कोई भी इंटरनेट एक्टिविटी नहीं है, ये सारे के सारे ट्रैफिक को विद इन वीपीसी ही रख रहा है, तो फिर ये हमारा राउट टेबल जो है वो परफेक्ट है, एकदम सही है। अब हम लोग इस वाले इंस्टेंस पे देखते हैं इसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस पे जो है प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप है, सॉरी डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, बट आपको याद होगा मैंने डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में ये परमिशन दे रखा है कि फ्रॉम इंटरनेट एनीबॉडी कैन कनेक्ट, तो हमें ये नहीं देना है। हमें क्या देना है, हमें इंटरनेट से एक्सेस जो है वो रिमूव करना है। वो कैसे करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है जहाँ पर हम लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कैसे सिक्योरिटी ग्रुप मॉडिफाई करते हैं, डीबी सर्वर के एक्सेस पे जाना है, यहाँ से आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप पे जाना है, पुराने वाले को रिमूव करना है और नए वाले को ऐड कर देना है। इसे ऐड करके आप यहाँ से सेव कर दीजिए। अब हमारा हमारा ये इंस्टेंस भी क्या हो गया, सिक्योर हो चुका है, बट हम लोग यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन और MySQL डेटाबेस को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। बट जस्ट फॉरगेट अबाउट वॉट इज इंस्टॉल्ड अंडर अ सर्वर, जस्ट आप एज्यूम कर लो कि इस सर्वर पे ऑलरेडी DB इंस्टॉल्ड है, इस सर्वर पे ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और फ्रंट एंड तो हमने इंस्टॉल कर ही दिया है। तो ये हमारा टोटल 3 tier एप्लीकेशन का डिज़ाइन था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, अब देखिए लेट सपोज कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो तो AWS में रन कर रहा है, बट ऐसा थोड़ी है कि एक बार हमने रन कर दिया तो कर दिया, फिर उसे देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं भाई, उसे मेंटेनेंस चाहिए। हमेशा कोई ना कोई बंदा उस सर्वर के पास होना चाहिए ताकि वो मॉनिटर करते रहे कि सर्वर कब डाउन हो रहा है, कब मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। लेट सपोज आपका सर्वर 4 GB रैम है आपके सर्वर पे और सारे के सारे रैम ऑटोमेटिकली फुल हो गए, तो दोस्तों अगर आपके भी लैपटॉप का रैम फुल हो जाता होगा तो आपका लैपटॉप स्लो हो जाता होगा। सेम चीज़ तो सर्वर के साथ भी है, और अगर आपका सर्वर स्लो हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तो कोई बंदा आपके वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसे कहते हैं, तो इस सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ना हमारे पास एक कंपनीज में क्या होता है कि एप्लीकेशन टीम होता है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं 24/7 आपके फ्रंट एंड और एप्लीकेशन सर्वर्स को, जो इन्हें ही हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ये सब इनका काम क्या होता है, ये एप्लीकेशन टीम है, ये क्या है, ये सारे सर्वर्स को मॉनिटर करेंगे। इसी तरह कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर टीम भी होगा कंपनी में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करेगा। ये डेटाबेस टीम है जो डेटाबेस सर्वर को मॉनिटर करेगा। मीन्स आपके एक एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल टीम्स आपके पास होंगे जहाँ पर मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे। अब दोस्तों ये बताइए, जो पब्लिक होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं जो कि आपके इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, उसमें और इन बंदों में क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है कि ये बंदे क्या है, इन बंदों के पास एक्सेस होना चाहिए ताकि ये सारे सर्वर को एक्सेस कर सके, ताकि वो सारे सर्वर पे लॉगिन कर सके, ठीक है। अब इन सारे के सारे बंदों को स्पेसिफिक लॉगिन कैसे प्रोवाइड करें? ऐसा क्या करो कि सारे के सारे लोगों को कुछ ऐसा यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दूँ, कुछ पर्सनल क्रेडेंशियल दे दूँ जिससे कि वो पर्टिकुलर सर्वर्स पे एक्सेस कर पाए। तो वो क्या है, अब मान लीजिए ये जो एप्लीकेशन टीम है इसे इस सर्वर पे एक्सेस करना है, इसे इस सर्वर को ओपन करना है, तो वो क्या करेगा, उसे सबसे पहले इस AWS अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना होगा, फिर उसके अंदर वो इस रीजन के अंदर जाके, इस VPC के अंदर जाके इस सर्वर को एक्सेस करेगा। तो इस बंदे को जब अकाउंट का ऑथेंटिकेशन करना है उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, उसके लिए एक सर्विस AWS ने बना रखा है, उन्होंने दे रखा है, जिसे हम लोग IAM कहते हैं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर सारे के सारे यूजर्स के लिए हम लोग एक क्रेडेंशियल तैयार करेंगे, वो क्रेडेंशियल सारे यूजर्स को दिया जाता है, और फिर ये जो भी एप्लीकेशन टीम है वो अपने अपने क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके इस सर्वर पर लॉगिन करती है और इसे मॉनिटर करती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं बैस्टियन का कंसेप्ट। अब आप लोग दोस्तों ये सोचो कि ये जो एप्लीकेशन टीम है, अभी जैसे मैं लेट सपोज कि मैं एप्लीकेशन टीम हूँ, ओके, मेरे पास एक्सेस है कि मैं सारे सर्वर को एक्सेस कर पाऊँ, एक्सेस कर भी पा रहा हूँ बिकॉज मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, ये IAM क्रेडेंशियल है जो मेरे पास है, मैंने पहले आपको बताया नहीं है, अब आने वाले लेक्चर से मैं आप लोगों को IAM बताऊंगा। तो मेरे पास एक अपना यूजर आईडी है, मेरे पास अपना क्रेडेंशियल है जिससे कि मैं सारे सर्वर पर एक्सेस कर पा रहा हूँ, पर दोस्तों आप लोग मेरे सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे बिकॉज आप लोग पब्लिक हो।
मैं यूजर हूँ, मैं एक एडमिन हूँ, एक तरह से मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैं सारे के सारे सर्वर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। फिर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, मुझे एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करने के लिए फ्रंट एंड का यूज़ करना पड़ रहा था। तो सेम काम तो इन लोगों के साथ भी होगा, ये बंदे भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशन सर्वर, और ये बंदे भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे डेटा सर्वर। तो उस सिचुएशन में ये क्या करेंगे, इन्हें भी थ्रू फ्रंट एंड जाना होगा। तो रियलिटी में थ्रू फ्रंट एंड ना जाके वहां पे एक दूसरा टेक्निक अपनाया जाता है। अब जैसे इस फ्रंट एंड वाले सर्वर पे क्या है, इस फ्रंट एंड वाले सर्वर पे आपका कोड रन कर रहा है, अब इसी पे सारे बंदे भी आपका जाके लॉग इन कर रहे हैं, और इसी सर्वर से ये वाले, ये लेट सपोज एक बार में 10 ऐसे लोग हैं जो कि इस सर्वर पे लॉग इन कर लिया, अब वो 10 लोग इस सर्वर से फिर बाकी सर्वर पे लॉग इन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है इस सर्वर का लोड बढ़ जाएगा, और ये सर्वर आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन को होस्ट किए हुए है, तो आपका फ्रंट एंड जो है ना वो काम करना बंद कर देगा, उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है, एक सर्वर वो लोग लॉन्च करेंगे पब्लिक सबनेट में, जिसपे पब्लिक एक्सेसिबिलिटी होगा, जिस तरह से हमारा फ्रंट एंड सर्वर पे पब्लिक एक्सेस है, उसी तरह से इस सर्वर पे भी पब्लिक एक्सेस होगा, और हम लोग इस वाले सर्वर पे लॉगिन करेंगे, और इधर से हम लोग एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करेंगे और डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो ये जो सेपरेट सर्वर है ना, जो हमने लॉन्च किया है, ताकि हम लोग इस नेटवर्क के अंदर जो भी सर्वर्स हैं उसे एक्सेस कर पाए, इसे हम लोग कहते हैं बैस्टियन होस्ट, इसका नाम होता है बैस्टियन होस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस बैस्टियन होस्ट पे लॉगिन करके बाकी सारे सर्वर्स पे भी लॉगिन कर सकते हैं। एक समय के लिए आप लोग एज्यूम कर लीजिए कि ये फ्रंट एंड आपका बैस्टियन होस्ट है, तो जिस तरह से हमने फ्रंट एंड के अंदर जाकर के बाकी दोनों सर्वर पे लॉगिन किया था, उसी तरह बैस्टियन होस्ट पे भी आप लोग जाकर के बाकी दोनों सर्वर पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये एक सिंपल सा यूज केस है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा बैस्टियन क्या होता है, कैसे हम लोग नेटवर्किंग कंपोनेंट को रेडी करते हैं, कैसे हम लोग चीज़ों को एक्सेस करते हैं। अब एक नेक्स्ट बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट, लाइक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, इसे कहते हैं नेट गेटवे। दोस्तों आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या इश्यूज दिखाया, इशू क्या था, आपका जो एप्लीकेशन सर्वर था वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था, आपका जो डेटाबेस सर्वर था वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था। अब अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे इंटरनेट एक्सेस देना पड़ेगा, बट वो तो गलत है, वो देना नहीं है, मुझे सिक्योर रखना है। तो इसका क्या रास्ता है, ऐसा क्या रास्ता है मेरे पास, ताकि मैं चाहूं तो सर्वर पे लॉगिन करके कुछ भी इंस्टॉल कर लूं, मीन्स सर्वर के अंदर जाके मैं सर्वर के अंदर से इस इंटरनेट को एक्सेस कर पाऊं, बट बाहर से मैं इंटरनेट के थ्रू इस सर्वर को एक्सेस ना कर पाऊं। आई होप कि दोस्तों आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। प्रॉब्लम क्या है कि इस सर्वर के अंदर बैठ के मैं इंटरनेट को एक्सेस कर पाऊँ, बट इस नेटवर्क से बाहर मैं बैठ के इस इंटरनेट के थ्रू इस सर्वर को एक्सेस ना कर पाऊँ। इसका एक सोल्यूशन है जो कि AWS ने रखा है, उसे हम लोग जानते हैं नेट गेटवे के नाम से। नेट गेटवे दोस्तों क्या होता है ना, कि नेट गेटवे क्या करेगा, नेट गेटवे जब आप यूज करते हो तो आप अपने किसी भी प्राइवेट इंस्टेंस से, जहां से राउट दिया हुआ है इस नेट गेटवे पे, आप लोग प्राइवेट इंस्टेंस से अपने सर अपने इंटरनेट पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो, अपने प्राइवेट सर्वर से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, बट बाहर से आप इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये नेट गेटवे का क्वालिटी होता है। ये क्या करता है, सारे के सारे प्राइवेट प्राइवेट सर्वर्स के जो भी प्राइवेट IPs होते हैं, उस पे एक कॉमन कॉमन पब्लिक IP एड्रेस को मैप करता है, और उस पब्लिक IP एड्रेस का यूज करके वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। बट यही जब आप उल्टा करोगे, जब आप बाहर से अंदर आओगे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके IP एड्रेस को इस प्राइवेट IP एड्रेस से मैप करेगा, ऐसा नहीं है। इस नेट गेटवे का बस एक ही काम है, मेनी प्राइवेट IP को एक सिंगल प्राइवेट एक सिंगल इलास्टिक IP एक सिंगल पब्लिक IP से मैप करता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से 3 एरो दिया हुआ है और फाइनल एक एरो निकला हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये 3 प्राइवेट IP एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक IP एड्रेस से मैप करा है इसने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो पब्लिक IP आएगा कहाँ से, चलिए पहले हम लोग इस चीज़ को लॉन्च करके देखते हैं, इस नेट गेटवे को। तो आपको क्या करना है, नेट गेटवे के लिए EC2 इंस्टेंस पे आना है। यहाँ से आपको नीचे आओगे तो आपको एक नेट गेटवे का ऑप्शन मिलेगा, किधर गया, हाँ सॉरी मुझे VPC में जाना है। ओके VPC में आप आ जाओ, आपको VPC में आकर के यहाँ से नेट गेटवे क्रिएट करना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट नेट गेटवे करना है। नेट गेटवे, चलो मैं इसका नाम नेट ही रखता हूँ। अब दोस्तों याद रखना, नेट गेटवे आपको क्या करता है, आपके ट्रैफिक को पब्लिक पे राउट करता है, मीन्स
नेट गेटवे जिस भी सबनेट में आप डाल रहे हो वो सबनेट पब्लिक से कनेक्टेड होना चाहिए, मीन्स वो पब्लिक सबनेट होना चाहिए। तो आपको नेट गेटवे ऑलवेज पब्लिक सबनेट में ही लॉन्च करना है, ध्यान में रखना। अगर आपसे इंटरव्यू में भी कुछ पूछा जाए तो आपको यही बोलना है कि नेट गेटवे शुड बी ऑलवेज लॉन्च्ड इन अ पब्लिक सबनेट, नॉट इन अ प्राइवेट सबनेट। आपको यहाँ से पब्लिक सबनेट क्लिक क्रिएट करना है। कनेक्टिविटी टाइप क्या होगा? कनेक्टिविटी टाइप होगा पब्लिक, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो इलास्टिक आईपी, दोस्तों यही वो इलास्टिक आईपी है जिसका मैं बात कर रहा था। सारे के सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस को ये एक तरह से मैप कर देगा एक पब्लिक आईपी एड्रेस में, यही वो पब्लिक आईपी एड्रेस, और वो हम लोग यहाँ से एलोकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एलोकेट किया आपको देख एरर डॉक्यूमेंट, ओके मैं इसे पहले रिफ्रेश करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ से एक इलास्टिक आईपी ले लेना है। आपको पहले इलास्टिक आईपी पे आना है और यहाँ से एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस क्लिक करना है, ठीक है। यूएस ईस्ट वन में आपको चाहिए अमेजन पूल ऑफ IPv4, मुझे IPv4 एड्रेस चाहिए और इसको मैं यहाँ से एलोकेट कर रहा हूँ। एरर ऑन लाइन वन एट कॉलम वन, डॉक्यूमेंट इज एम्प्टी। यहाँ से इलास्टिक आईपी, एक सेकेंड मुझे रिफ्रेश करने दो, आई थिंक ये सेशन एक्सपायर हो चुका है। ओ हाँ, सेशन एक्सपायर हो चुका है दोस्तों, इसलिए ये इशू हो रहा था। तो चलिए फिर से सेशन एक्सपायर हो गया तो फिर से हम लोग इस सब को क्लोज करेंगे और फिर से हम लोग वीपीसी कंसोल को ओपन करेंगे। तो वीपीसी कंसोल को ओपन करने के लिए आपको फिर से वीपीसी के अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको नेट गेटवे को यहाँ से ओपन कर लेना है, नेट गेटवे ओपन कर लेना है, यहाँ से क्रिएट नेट गेटवे पे क्लिक करना है। और नेट सबनेट क्या है? पब्लिक सबनेट चाहिए। यहाँ से इलास्टिक आईपी पे आप एलोकेट करोगे तो एक इलास्टिक आईपी आपको एलोकेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो ये इलास्टिक आईपी आपको एलोकेट हो चुका है, आपको टैग देना है, टैग दे दो, यहाँ से क्रिएट नेट गेटवे कर दो। जब आपको नेट गेटवे क्रिएट हो जाए उसके बाद इस नेट गेटवे, ये नेट गेटवे कहाँ है दोस्तों? ये नेट गेटवे ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो ये वाला नेट गेटवे जो पब्लिक सबनेट था वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो हमारा एक्सेस होना चाहिए, तो चलिए पहले हम लोग एक्सेस करके देख लेते हैं। पहले हम लोग EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। यहाँ से इंस्टेंसेस पे जाएंगे, इंस्टेंसेस पे जा करके हम लोग पहले फ्रंट एंड पे कनेक्ट करेंगे और पहले हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं। तो हमें क्या है, डेव अकाउंट अब पेम फाइल देने का जरूरत नहीं है बिकॉज हमने SSH एजेंट को ऐड कर दिया था। यहाँ पे आप लोग को बस यहाँ से ये देना है -a और एंटर। चलिए हम लोग अभी हम लोग अभी कौन से इंस्टेंस पे एग्जिट करते हैं, फिर से एग्जिट करते हैं और फिर से एग्जिट करते हैं। ओके, अब हम लोग होम पेज पे हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले अपने फ्रंट एंड पे एक्सेस करते हैं। तो हमारा फ्रंट एंड क्या हो गया दोस्तों, अभी एक्सेस हो जाएगा। चलिए हमारा फ्रंट एंड अभी एक्सेस हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग पहले चलते हैं हमारे एप्लीकेशन सर्वर पे। तो एप्लीकेशन सर्वर को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग प्राइवेट IPv4 एड्रेस उठाएंगे। यहाँ से आपको SSH स्पेस EC2 डालना है -user, ये यूजर नेम है दोस्तों, ये यूजर आईडी है एक्चुअली। यहाँ से आपको प्राइवेट आईपी डालना है। तो अब हम लोग अभी फिलहाल एप्लीकेशन सर्वर के अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर पहले हम लोग चेक कर लेते हैं -y अपडेट हो रहा है, यानी अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है। चलिए रूट कर लेते हैं। रूट करने के बाद भी देख सकते हो आप लोग ये फेल्ड हो जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम लोग अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग उसको कैसे काम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारा जो ट्रैफिक है एप्लीकेशन सर्वर से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, प्राइवेट सबनेट पे जो राउट टेबल है, वो राउट टेबल क्या करता है दोस्तों, वो राउट टेबल आपके आपका जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को सेंड करता है कहाँ पे, कंट्रोल लोकली, लोकली वीपीसी पे वो आपके ट्रैफिक को सेंड कर रहा है, ठीक है। अब आइए हम लोग आपको, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले वीपीसी में जाते हैं हम लोग, पहले राउटेबल पे चले जाते हैं और हम लोग प्राइवेट राउटेबल पे जाते हैं। हमारा नेट गेटवे किधर है? प्राइवेट राउटेबल पे है, ठीक है। तो हमारा नेट गेटवे कहाँ है? प्राइवेट राउटेबल पे। प्राइवेट राउटेबल पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक कहाँ जा रहा है? इंटरनेट पे जा रहा है, बराबर, कुछ नहीं है। अब देखिए इस वाले राउट टेबल पे ये जो प्राइवेट सबनेट है, प्राइवेट सबनेट है, इस प्राइवेट सबनेट पे जो एप्लीकेशन सर्वर है उसे ट्रैफिक कहाँ सेंड करना है? एक्चुअली उसे अपने ट्रैफिक को सेंड करना है पब्लिक सबनेट पे जो नेट गेटवे लगा हुआ है। इसके बाद हमें इस पे ट्रैफिक सेंड करना है।
इसके बाद वो ऑटोमेटिकली ये नेट गेटवे, सिंस नेट गेटवे है पब्लिक सबनेट में और इससे पब्लिक राउट टेबल अटैच्ड है, तो वो जो पब्लिक राउट टेबल है बाय डिफॉल्ट आपके ट्रैफिक को इंटरनेट पे भेज देगा। बट उससे पहले आपका ट्रैफिक एप्लीकेशन सर्वर से उठकर नेट गेटवे पे तो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये मॉडिफिकेशन करेंगे प्राइवेट वन राउट टेबल पे, बिकॉज ये राउट टेबल आपको एप्लीकेशन सर्वर वाले सबनेट से अटैच्ड है। तो यहाँ पे आते हैं राउट का हमारा क्या है 10.0.0.0/16, इसको एडिट करते हैं। हमारा एक तो राउट हमारा विद इन वीपीसी रन कर रहा है, दूसरा जो राउट है वो हमारा जाना चाहिए पब्लिक इंटरनेट पे। इस हमें भेजना है ना इस एप्लीकेशन सर्वर से जो राउट है वो हमें पब्लिक इंटरनेट पे सेंड करना है, तो उसके लिए हम लोग पब्लिक इंटरनेट देंगे और वाया, वाया क्या होगा नेट गेटवे, यहां से आपको नेट गेटवे सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। ठीक है, आइए अब हम लोग फिर से अपडेट करते हैं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों ऐप इज करेंटली होल्डिंग द यम लॉक, ये फिलहाल यम लॉक को होल्ड किए हुए है। कंट्रोल जेड यम इंस्टॉल, सॉरी तो मैं कल करके देख लेता हूँ, यम अगर लॉक हो चुका है कोई दिक्कत नहीं। google.com आप लोग देख सकते हो ये एक्सेस कर पा रहा है। और अब हम लोग करते हैं यम इंस्टॉल जावा, इसे मैं सूडो के साथ करना हो हमें। अनदर एप्लीकेशन इज करंटली होल्डिंग द यम लॉक वेटिंग फॉर इट टू एग्जिट। मैं काम करता हूँ इस सर्वर को पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसीलिए वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा एक्चुअली इस सर्वर पे। एग्जिट करने के बाद ओके देर आर स्टॉप जॉब्स। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ पे यम इंस्टॉल जावा करता हूँ, सॉरी सूडो। ओके अगेन ये इशू आ रहा, चले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम लोग एक काम करेंगे, पहले मैं इस सर्वर से एग्जिट करने दो आप मुझे। चलिए इस सर्वर से मैं एग्जिट हो गया हूँ, अब पहले इस एप्लीकेशन सर्वर को चलिए रिबूट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोसेस स्टक हो गया है। देखिए दोस्तों आप लोग अभी आपने ऑब्जर्व किया एक प्रोसेस स्टक हो गया, इस रीजन से मैं एप्लीकेशन सर्वर कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इस सिचुएशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में टिकट रेज किया जाएगा, एडमिन के पास टिकट आएगा और वो ये रिबूट या फिर सर्वर को मतलब जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मैं रिबूट परफॉर्म कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं तब तक चलिए फिर मैं डीबी इंस्टेंस से कनेक्ट करके देखता हूँ। डीबी इंस्टेंस के राउट टेबल पे मैंने अभी तक ऐड नहीं करा है, तो मैं चलिए डीबी इंस्टेंस के राउट टेबल पे ऐड कर देता हूँ। डीबी इंस्टेंस का राउट टेबल कौन सा है दोस्तों? ये वाला राउट टेबल जो है ये डीबी इंस्टेंस का राउट टेबल है, यहाँ भी मैं ऐड कर देता हूँ 0 और इसे मैं राउट को इंटरनेट पे थ्रू नेट गेटवे मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ। अब चलिए हम लोग कनेक्ट करते हैं डीबी इंस्टेंस से। चलिए हम लोग डीबी इंस्टेंस पे कनेक्ट कर चुके हैं, यहाँ हम लोग यम अपडेट करके देखते हैं या फिर यहाँ भी लॉक है या क्या है देखता हूँ मैं, क्योंकि हमने पहले यहाँ भी, तो चलिए यहाँ पे हमारा अपडेट स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो ईसी टू इंस्टेंस है वो अभी, ये जो डेटाबेस सर्वर है वो अभी कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट से। ठीक है, मैं यहाँ पे चलो कर्ल करता हूँ google.com, ये वो भी कर्ल कर लेगा। ये आप लोग देख सकते हो google.com भी कभी कर्ल कर रहा है। यहाँ पे मुझे ये डेटाबेस है तो मुझे यहाँ क्या इंस्टॉल करना है, मुझे यहाँ इंस्टॉल करना है MySQL, तो यहाँ पे मैं करूँगा MySQL-Y। हमारा MySQL भी चलो दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, हमारा MySQL भी इंस्टॉल हो चुका है। ओके बट हमारा माई इंस्टॉल चलिए MySQL सर्वर हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है। चलिए एक बार इसके सिस्टम CTL MySQL के सर्विस को हम लोग देख लेते हैं। ओके तो इसका हो सकता है सर्विस कुछ और हो, चलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सर्विस चलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। बट हमारा MySQL इंस्टॉल हो चुका है और हम लोग अब अपने इस इंस्टेंस से इंटरनेट पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग सेम चीज़, हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर था वो हमने रिबूट करा था, वो हमारा रिबूट हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग पहले अब एप्लीकेशन सर्वर को भी एक बार कनेक्ट करके देख ही लेते हैं। सोडो यम अपडेट -y, सॉरी ये तो मेरा फ्रंट एंड सर्वर था, इसे मैं फ्रंट एंड यहाँ नहीं, मैं इसे करूँगा पहले SSH लेता हूँ EC2-user। चलिए ये हमारा क्या, ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर पे हम लोग एक्सेस कर चुके हैं। आप लोग दोस्तों ये IP एड्रेस के थ्रू मैच कर सकते हो 10.0.141.208 10.0.141.208। यहाँ पे आपको क्या करना है, sudo yum update -y,
तो चलिए आपको देख सकते हो दोस्तों, अब हमारा एप्लीकेशन सर्वर भी अपडेट हो जा रहा है, मतलब हमारा एप्लीकेशन सर्वर भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। दोस्तों ध्यान देना, ये दोनों कनेक्टिविटी फ्रॉम डेटाबेस एंड फ्रॉम एप्लीकेशन सर्वर, ये कनेक्टिविटी स्टेबलाइज हो रहा है यूजिंग नेट गेटवे। ओके, तो बाहर से कोई भी बंदा एप्लीकेशन सर्वर और डीबी सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट अंदर से आप एप्लीकेशन सर्वर और डीबी सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे अब हमें क्या इंस्टॉल करना था, जावा, सुडो यम इंस्टॉल जावा। तो चलिए हमारा जावा भी इंस्टॉल हो गया, मींस हमारा एप्लीकेशन सर्वर इज नाउ अप एंड रनिंग। तो ये था दोस्तों टोटल एक तरह का एक सिंपल सा थ्री टीयर एप्लीकेशन डिजाइन। जब भी अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए थ्री टीयर एप्लीकेशन डिजाइन, तो आप उन लोगों को डायरेक्ट इस डिजाइन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, वहां पे जब आप ऐसे इंटरव्यू में जाओगे या फिर नॉर्मली भी यूजुअली जब आप थ्री टीयर एप्लीकेशन का बात आता है, तो सारे लोग आपको लोड बैलेंसर भी बोलते हैं दिखाने को, ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी बोलते हैं दिखाने को। दोस्तों वो एग्जैक्टली थ्री टीयर एप्लीकेशन नहीं है। थ्री टीयर का मतलब होता है ये तीन टीयर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, वो तो यहाँ पे भी है, बट आप देख सकते हो बिना लोड बैलेंसर और बिना ऑटो स्केलिंग ग्रुप के भी मेरा ये थ्री टीयर एप्लीकेशन काम कर रहा है। जहाँ लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ना दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं हाईली अवेलेबल थ्री टीयर एप्लीकेशन, ना कि वनली थ्री टीयर एप्लीकेशन। तो ये अभी हमारा हाईली अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर हमारा एक ईसी टू इंस्टेंस डाउन हो जाए या फिर ये अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाए, फिर भी हमारा एप्लीकेशन तो डाउन हो गया ना। बट हाईली अवेलेबल का मतलब क्या होता है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या कहते हैं, वो स्प्रेड होगा अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, और उसके बाद वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इवन इफ सिंगल सर्वर गोज डाउन और सिंगल अवेलेबिलिटी जोन गोज डाउन, योर एप्लीकेशन विल बी अप एंड रनिंग। तो उसे कहते हैं हम लोग हाईली अवेलेबल थ्री टीयर एप्लीकेशन डिजाइन, जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं जब हम लोग लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट थ्री टीयर एप्लीकेशन डिजाइन समझ में आ गया होगा। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।